मॉर्निंग एवरी वन वेलकम टू जे एल्ड झारखंड लाइव्स दोस्तों आज है 21 अगस्त और हम लोग यहाँ पर आज 21 अगस्त के झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट के क्वेश्चन देखने वाले हैं तो दोस्तों अगर आप जे एल्ड झारखण्ड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स अगर वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और पी के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए वीडियो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आप वहाँ पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए और चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पर आज इक्कीस अगस्त झारखंड के, के महत्वपूर्ण कैलेंडर देखते हैं तो यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है झारखंड राज्य सरकार नई औद्योगिक एवं निवेश नीति को कब लॉन्च करेगी तो झारखंड राज्य सरकार नई औद्योगिक एवं निवेश नीति लॉन्च करने वाली है तो ये कब लॉन्च की जाएगी तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 27 अगस्त को कब की जाएगी 27 अगस्त को झारखंड राज्य सरकार नई औद्योगिक एवं निवेश नीति लॉन्च करेगी तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा चलिए हम लोग यहाँ पर पूरे डिटेल्स में देख लेते हैं तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य की नई औद्योगिक एवं निवेश नीति को दिल्ली में लॉन्च करेंगे ताकि निवेशकों को आकर्षित किया जा सके ठीक है तो ये कहा लॉन्च किया जाएगा दिल्ली में इसकी लॉन्च की जाएगी मुख्यमंत्री दिल्ली में निवेशकों के साथ यहाँ पर सत्ताईस अगस्त और अट्ठाईस अगस्त को बैठक करेंगे और राज्य की और, और जो यहाँ पर औद्योगिक नीति है उसके आकर्षक प्रावधानों की जानकारी देकर निवेश के लिए आमंत्रित करेंगे इस बैठक में निवेशकों के आदित्यपुर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर क्लस्टर की जानकारी दी जाएगी ठीक है आदित्यपुर में जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब जो है क्लस्टर यहाँ पर स्थापित की जा रही है तो इसके बारे में भी यहाँ पर राज्य सरकार जो है वो निवेशकों को जानकारी देगी इस उद्योग नीति की खासियत है कि अस्पताल खोलने पर 25 तक यहाँ पर इंसेंटिव दिया जाएगा सभी जो इकाइयों पर स्टाम्प ड्यूटी और निबंधन शुल्क जो है वापस कर दिया जाएगा बी से सर्टिफिकेशन के लिए 10 लाख तक की लागत पर शत प्रतिशत यहाँ पर मदद दी जाएगी कैप्टिव पावर प्लांट लगाने पर पाँच वर्षों के लिए इलेक्ट्रिकल ड्यूटी यहाँ पर नहीं ली जाएगी राज्य सरकार के द्वारा तो ये कुछ यहाँ पर प्रमुख बातें हैं जो कि निवेशकों को लुभाने के लिए राज्य सरकार यहाँ पर प्रावधान कर रही है इस नई नई उद्योग नीति में तो इसकी जो लॉन्च करने की तिथि होगी वो कब होगी सत्ताईस अगस्त होगी जो कि दिल्ली में इसकी

राशन कार्डधारी राज्य में जिनको की ये योजना का लाभ दिया जाएगा और ये योजना जो है यहाँ पर सोना सोब्रम धोती साड़ी योजना है तो इस योजना के तहत धोती साड़ी और लुंगी जो है यहाँ पर राशन कार्डधारियों को दिए जाएंगे मुफ्त में दिए जाएंगे ठीक है तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा मुफ्त में नहीं सिर्फ दस रुपये में ठीक है सिर्फ दस रुपये में जो है ये यहाँ पर उन्हें राशन कार्डधारियों को धोती साड़ी और लुंगी दिए जाएंगे चलिए हम लोग यहाँ पर पूरे डिटेल्स में देख लेते हैं तो झारखंड के वित्त एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने रांची के अंठावन राज्य के ठीक है राज्य के यहाँ पर अंठावन लाख राशन कार्डधारियों को सोना सोवरम योजना के तहत एक साड़ी धोती लुंगी उपलब्ध कराएगी यह वस्त्र खाद्य वितरण प्रणाली पीडीएस के माध्यम से दी जाएगी जहां पर की राशन का जो यहां पर वितरण किया जाता है वहां से उन सभी जो राशन कार्डधारी होंगे वो यहां से इसका लाभ ले सकते हैं इस योजना में कुल एक दशमलव एक छ करोड़ साड़ी धोती लुंगी राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी तो कुल जो है यहाँ पर एक दशमलव एक छ करोड़ साड़ी धोती और लुंगी जो है यहाँ पर राज्य सरकार को उपलब्ध कराना होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो रहेगा कुछ कुल जो है यहाँ पर वो अंठावन लाख कार्डधारी है राशन कार्डधारी है जिनको की इस योजना का लाभ दिया जाएगा चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर राज्य के कितने जिलों में कृमि मुक्ति अभियान 20 अगस्त से 30 अगस्त तक चलाया जाएगा राज्य के कितने जिलों में कृमि मुक्त अभियान कृमि मुक्ति अभियान 20 अगस्त से 30 अगस्त तक चलाया जाएगा तो इसका सही आंसर जो हो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर जाएगा कुल आठ जिलों में झारखंड के कुल आठ जिलों में कृमि मुक्ति अभियान बीस अगस्त से तीस अगस्त तक चलाया जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये आठ जिले कौन कौन से होंगे चलिए हम लोग यहाँ पर पूरे डिटेल्स में देख लेते हैं तो बच्चों में कृमि संक्रमण से जुड़ी समस्याओं से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा 20 से 30 अगस्त तक राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का आयोजन किया जा रहा है एन के इस अभियान के तहत झारखंड राज्य के आठ जिलों में चलाया जाएगा तो ये जिले कौन कौन से हैं बोकारो है देवघर है धनबाद है गुमला है कोडरमा है पाकुड़ है रामगढ़ है और साहिबगंज है तो इन आठ जिलों में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का आयोजन किया जाएगा 20 तारीख से लेकर 30 अगस्त तक इस अभियान के तहत इन जिलों में एक से उन्नीस वर्ष तक के उम्र के बच्चों को चौवन लाख सत्तर हजार पांच सौ तैतीस बच्चों को कृमिनाशक दवा खिलाई जाएगी कुल जो है आठ जिलों में चौवन लाख सत्तर हजार पांच सौ तैतीस बच्चों को कृमिनाशक दवा जो है वो खिलाई जाएगी ये आठ जिलों में झारखंड के आठ जिलों में इस अभियान को चलाया जा रहा है बीस अगस्त से तीस अगस्त तक तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर अः यहाँ पर देखिए ऑप्शन छूट गया है लेकिन इसका आंसर यहाँ पर जो है वो लिखा हुआ है जो ऑप्शन सही है वो लिखा हुआ है प्रश्न है यहाँ पर उपन्यास बंद घरों के रोशनदान एवं काव्य संग्रह मन सरगम का लोकार्पण किया गया है इसके लेखक या फिर लेखिका कौन है तो हाल ही में यहाँ पर एक उपन्यास का लोकार्पण किया गया है और एक काव्य संग्रह का लोकार्पण किया गया है और इन दोनों ही पुस्तक के जो लेखक या लेखिका है वो एक ही है तो उपन्यास का नाम है बंद घरों के रोशनदान और जो काव्य संग्रह है वह है सरगम। तो इन दोनों ही पुस्तक के लेखक तो गीता चौबे गुंज कौन है गीता चौबे गुंज है जो कि इस पुस्तक को लेखी हैं तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा उपन्यास का नाम है बंद घरों के रोशनदान और काव्य संग्रह का नाम है मन सरगम चलिए लोग पर पूरे डिटेल्स में देख लेते हैं तो साहित्योदय अंतरराष्ट्रीय कला संगम की ओर से 19 अगस्त 2021 को कवयित्री गीता चौबे गुंज द्वारा लिखित उपन्यास बंद घरों के रोशनदान और काव्य संग्रह मन सरगम का लोकार्पण किया गया है ठीक है तो ये जो पुस्तक लिखी गई है उपन्यास और काव्य संग्रह वो गीता चौबे गुंज द्वारा लिखी गई है ठीक तो है तो इस पुस्तक की लेखिका है तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा और ये कवियत्री भी हैं ठीक है यह भी याद रखिएगा चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर रांची विश्वविद्यालय के कितने छात्रों को स्टूडेंट ट्रैवल अवार्ड प्रदान किया गया है रांची विश्वविद्यालय के कितने छात्रों को स्टूडेंट ट्रैवल अवार्ड प्रदान किया गया है तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर होगा कुल दो छात्रों को कितने छात्रों को कुल दो छात्रों को स्टूडेंट ट्रैवल अवार्ड प्रदान किया गया है तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा चलिए हम लोग यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं तो रांची विश्वविद्यालय के दो विद्यार्थियों को इस वर्ष स्टूडेंट ट्रैवल अवार्ड दिया गया है विक्रम यादव और नीलम तिरकी हैं जो कि इस पुरस्कार को इस पुरस्कार को दिया गया है और दोनों भूगर्भ शास्त्र विभाग के विद्यार्थी हैं यह पुरस्कार द सोसाइटी फॉर आर्गेनिक पेट्रोलॉजी की ओर से दिया जाता है दोनों विद्यार्थियों ने इसके लिए आवेदन किया था चयन के बाद दोनों ने इस विषय पर प्रेजेंटेशन दिया था जिसके आधार पर पुरस्कार के लिए दोनों का चयन किया गया है तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा रांची विश्वविद्यालय के कुल दो छात्रों को स्टूडेंट कोच झारखंड से किसे ठीक है।, है तो जो भारतीय पैरालंपिक्स टीम है उसके मैनेजर सह कोच झारखंड से किसे नियुक्त किया गया है तो इसका सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा ये है के के प्रभाकर प्रभाव है जिनको की भारतीय टीम का मैनेजर सह कोच नियुक्त किया गया है तो बारे में, में यहाँ पर देख लेते हैं तो झारखंड बैडमिंटन संघ के सचिव के के प्रभाकर राव को भारतीय पैरालंपिक्स टीम का मैनेजर सह कोच नियुक्त किया गया है किस खेल के लिए बैडमिंटन के लिए ठीक है भारतीय टीम में 24 अगस्त से 5 सितंबर तक टोक्यो जापान में होने वाले समर पैरालंपिक्स दो हजार बीस में हिस्सा लेंगे ठीक है तो पेरालंपिक जो यहाँ पर ओलंपिक होनी है इसमें झारखंड के कि प्रभाकर राव होंगे जिनको की मैनेजर सह कोच नियुक्त किया गया है और ये जो है झारखंड से बिलोंग करते हैं तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा और ये जमशेदपुर से बिलोंग करते हैं ये भी आप याद रखिएगा चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आंसर ऑफ द डे है यहाँ पर पिछले वीडियो आपसे प्रश्न पूछा गया था कि हाल ही में जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में झारखंड के कितने स्थान रहे हैं ठीक है परफॉर्मिंग परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में झारखंड का कितना स्थान रहा है तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा इक्कीसवां स्थान रहा है कितना स्थान रहा है इक्कीसवा स्थान रहा है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में झारखंड राज्य का ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा चलिए आप लोग यहाँ पर और भी डिटेल्स में देख लेते हैं और आप लोगों ने मैक्सिमम लोग कुछ लोग इसका इसका सही आंसर कमेंट किए थे और कोशिश करिए आपकी इसका आंसर करने की इससे चीजें आपको याद रहेंगी इसलिए आप उत्तर क्या करिए हाल ही में जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड पिछले साल की तुलना में सात स्थान फिसल कर पायदान पर पहुंच गया है पिछले वर्ष झारखंड के जो है यहाँ पर आ, जो है पा, लेवल पाँच के ग्रेड दो में था और इस वर्ष भी उसी स्थान पर है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में झारखंड ने कुल एक हजार अंकों में से कितने अंक मिले हैं सात सौ नब्बे अंक मिले हैं पिछले साल सात सौ इक्यावन अंक मिले थे झारखंड को लर्निंग आउटकम और गुणवत्ता में एक अंक मिले हैं और एक अंक मिले हैं ठीक है और इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी में 150 और 112 अंक और सर्वव्यापी पहुंच में 80 में से तिरसठ अंक प्राप्त हुए हैं झारखंड राज्य को ठीक है वहीं समानता में 230 और 212 अंक मिले हैं और गवर्नेंस प्रोसेस में 360 में से दो अंक मिले हैं पिछले वर्ष झारखंड राज्य को 14वां स्थान प्राप्त हुआ था अब यहां पर जो है वो सात जो पायदान है वो नीचे आ गई है झारखंड राज्य ठीक है तो यहाँ पर सही आंसर जो होगा यहाँ पर सी इज बिल्कुल सही आंसर होगा इक्कीसवा स्थान है चलिए हम लोग यहाँ पर आज का प्रश्न देख लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे है झारखंड राज्य सरकार ने एक जिले से दूसरे जिले एवं दूसरे राज्यों से आने पर ई पास के लिए कौन सी पोर्टल लॉन्च की गई थी ठीक है झारखंड राज्य सरकार द्वारा ई पास के लिए कौन सी वेब वे पोर्टल है जिसे झारखंड राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था तो चार ऑप्शन है आपका यहाँ पर इन चार ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा होगा ये कमेंट करके आपको बताना है ठीक है